नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट इंडिया। अभी दो दिन पहले ही खबर आई थी, पाकिस्तान सरकार ने जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई सहित विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के 44 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर सक्रिय आतंकी संगठनों पर लगाम कसने के लिए यह कार्यवाही की है, जिसका ढोल इमरान खान सरकार में गृह राज्य मंत्री शहरयार खान अफरीदी पीट रहे थे और आज पाकिस्तान पीएम इमरान खान की पोल खुल गई। एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, जिसमें इमरान खान की पार्टी के नेता धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि जब तक हम सत्ता में हैं, कोई माई के लाल में दम नहीं जो दहशतगर्दों का बाल भी बाका कर सकता है। चाहे वो अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल कर भी दिया, अभी तक विश्लेषण नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये हमें पता लग गया है कि यहाँ पे सही साहब की तंजीम है, हम इसको आलमी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोई माई का लाल, जब तक हम असेंबली में और तरीके इंसाफ है, आप इस सईद साहब को तो छोड़े, जो पाकिस्तान के लिए हक और कलमा हक का साथ देगा हम उसका साथ देंगे इंशाल्लाह। ये हमारा ईमान है, हमारा ईमान है। ये आप और मेरी आपसे इल्तिजा होगी कि आप खुद असेंबली में आए बैठे ऊपर, फिर देखें कि ये वाकई कलमा हक का साथ देते हैं ये भी। इससे पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा बैन कर दिया है। वीडियो में देखिए कैसे इमरान खान की पार्टी के नेता आतंकियों का साथ देने की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान दुनिया के सामने शांति का दूत बनने का ढोंग कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट इंडिया की खबर।